The Smart School Grade 2 Mathematics Unit 9 Volume Page 116 Approximating Volume यानी Volume का अंदाज़ा लगाना बताना कि तकरीबन Volume कितना है Some containers do not exactly hold 1/4 liter, 1/2 liter or 1 liter of liquid कुछ containers में exactly 1/4 या 1/2 या 1 liter liquid नहीं होता We can approximate the volume of liquids in such containers to the nearest liter, half liter or 1/4 liter. So हम अंदाज़ा लगाकर उन कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम करीबी half liter, 1/4 लीटर या लीटर तक बताते हैं. Let us find the approximate volume of the liquids in the containers below to the nearest लीटर अब नीचे दिए गए कंटेनर्स का वॉल्यूम फाइंड करें उनके नियरेस्ट लीटर तक फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पेल टू द नियरेस्ट लीटर बाल्टी ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स में एम्प्टी करते हैं तो 3 1 लीटर ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स फुल भर जाते हैं सो 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर और इस सिलेंडर में कितना पानी है 1/2 लीटर से ज्यादा है सो जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे नियरेस्ट लीटर तक तो हम उसको 1 लीटर लिखेंगे दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1/2 लीटर सो वी टेक इट टू बी 1 लीटर टू द नियरेस्ट लीटर इसमें पानी या वो लिक्विड जो है वो 1/2 लीटर से ज्यादा है या हाफ लीटर से ज्यादा है तो हम उसका नियरेस्ट लीटर कौन सा लेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द नियरेस्ट लीटर इज अब ये हमने राउंड अप किया 1 लीटर सो 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4 लीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल इन द बॉटल टू द नियरेस्ट लीटर अब जब हमने कुकिंग ऑयल बीकर्स में डाला तो एक बीकर जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है वो फुल भर गया है और दूसरे बीकर में जो ऑयल है वो 1/2 लीटर से थोड़ा ज्यादा है दिस वॉल्यूम इज मोर देन 1/2 लीटर सो वी टेक इट टू बी 1 लीटर टू द नियरेस्ट लीटर सो हम इसको जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो राउंड अप करेंगे 1 लीटर तक सो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 1 प्लस 1 Volume of cooking oil to the nearest liter is 1 liter plus 1 liter is equal to 1 plus 1, 2, 2 liter. Page 117. Circle the correct answer and write the volume of water to the nearest liter in the boxes. जब वो वाटर हम सिलेंडर्स में डालेंगे तो 2 1 लीटर सिलेंडर्स फुल भर जाएंगे सो 1 लीटर एंड 1 लीटर और तीसरा सिलेंडर एग्जैक्ट हाफ लीटर के मार्क तक बढ़ गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पेल इज 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस हाफ लीटर इज इक्वल टू 1/2 लीटर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1/2 इज 2 1/2 या 2.5 लीटर 2 प्लस 1/2 को हम 2 1/2 लिख सकते हैं जब भी हम होल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करें तो हम उसको डायरेक्टली 2 1/2 लिख सकते हैं द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द नियरेस्ट लीटर इज 3 लीटर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली हाफ लीटर इन द सिलेंडर 3 पार्ट बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एग्जैक्टली एट और लेस देन 1/2 ऑफ अ लीटर अब इस बीकर में वॉल्यूम कितना है 1/2 लीटर से कम है 1/2 लीटर ये है सो 1/2 लीटर से कम है सो हम लेस देन 1/2 को टिक करेंगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन 1/2 लीटर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाटर इज अब इस वाटर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है स्केल पर करीब तरीन नंबर कौन सा है 1/4 So, the approximate volume of water is 1/4 liter. Total volume of water in the vase is 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 लीटर। जब हम होल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करें तो हम उनको डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं 1/4 लीटर। पेज 118 पार्ट बी, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, इस मायरन कप की बात हो रही है, ग्रेटर देन, एग्जैक्टली एट और लेस देन 1/2 ऑफ अ लीटर। सो ये तकरीबन 3/4 ऑफ अ लीटर के बराबर है, तो हम ग्रेटर देन को टिक करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1/2 ऑफ अ लीटर। द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, अगर हम इसको राउंड अप करें नियरेस्ट लीटर तक तो ये 1 लीटर आएगा, क्योंकि करीब तरीन लीटर कौन सा है, 1 लीटर। सो द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। The total volume of water in the jug is 1 liter plus 1 liter plus 1 liter is equal to 1 plus 1 2 plus 1 3 3 liter. Question number 2, circle the correct answer and write the volume to the nearest measurement unit in the boxes. This volume is closer to 1/4 or 1/2. It is closer to, ये 1/2 के करीब है या 1/4 के। सो ये 1/2 के करीब है। सो 1/2 को सर्कल करें। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द जग इज 1/2 लीटर। पार्ट बी, दिस वॉल्यूम इज क्लोजर टू, अब ये किसके करीब है, 1/4 या 1/2। सो ये साफ नजर आ रहा है कि 1/2 के करीब है। सो 1/2 को सर्कल करें। और अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सूप इन द बाउल इज कितना है, 1/2 लीटर। Page 119, estimating volume. How much water is there in the bottle? अब इस बॉटल में कितना पानी है? There is about 1 liter of water in the bottle. एक अंदाजा है कि इस बॉटल में 1 लीटर पानी है। Now let's measure the volume of water in the bottle. This bottle contains 1 liter of water. वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं? इस वाटर को हम एक बीकर में डालेंगे। इस बॉटल में 1 लीटर पानी है। हाउ मच जूस इज देयर इन द बॉटल, अब हमें अंदाज़ा लगाना है कि इस बॉटल में कितना जूस है। दिस इज़ अ स्मॉलर बॉटल सो इट कंटेन्स लेस लिक्विड। ये पानी के बॉटल से छोटी बॉटल है, तो इसमें लिक्विड का वॉल्यूम 1 लीटर से कम ही होगा। आई थिंक इट कंटेन्स अबाउट 1/2 लीटर ऑफ जूस। इसमें 1/2 लीटर ऑफ जूस है। लेट्स मेजर द वॉल्यूम ऑफ जूस इन द बॉटल, वो तो हमने अंदाज़ा लगाया कि 1/2 लीटर जूस है। तो अब हम मेजर करते हैं कि ये जूस कितना है। हम जब हमने इस बॉटल को बीकर में एम्प्टी किया तो वो 1/2 लीटर के मार्क तक फुल हुआ। सो द बॉटल कंटेन्स 1/2 लीटर ऑफ जूस। Page 120, question number 1, look at the set of containers and circle the correct option. Part A contains less than 1 liter of water. अब इसमें कौन से कंटेनर में 1 लीटर से कम पानी आता है? हमें पता है कि कप में तो 1 लीटर से कम ही पानी आता है, सो हम कप को सर्कल कर देंगे। Part B contains approximately 1 liter of water. अब हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि इन तीनों में कौन से कंटेनर में तकरीबन 1 लीटर वाटर आता है। सो मग में तो 1 लीटर से बहुत कम आता है, पॉट में ज़्यादा भी आ सकता है, तो हम वॉश को सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट हाउ मच वाटर बॉटल बी होल्ड्स। अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि बॉटल बी में कितना पानी है। बॉटल ए में कितना पानी है, 1 लीटर। बॉटल बी भी बॉटल ए जैसी है, सो बॉटल बी में भी कितना पानी होगा, 1 लीटर। आई एस्टिमेट बॉटल बी होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग कंटेनर्स। कंटेनर ए में कितना लिक्विड है, 1/2 लीटर। कंटेनर बी में लिक्विड कंटेनर ए से कम है, सो आई एस्टिमेट कंटेनर बी टू होल्ड 1/4 लीटर ऑफ वाटर। पार्ट बी, जग ए में 1/2 लीटर है, हाफ भरा हुआ है, जग भी फुल भरा हुआ है। सो अगर इसमें हाफ लीटर है तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1 लीटर होगा, उससे डबल है। सो आई एस्टिमेट जग बी टू होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। Thank you kids for watching. See you again soon with another video. Please like, share and subscribe.